नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं संस्कार दर्शन। सेठिया का अटल संकल्प, विजय भाजपा विजय चंद्र के लक्ष्य को लेकर पहुंच रहे हैं मतदाताओं के द्वार द्वार। जैसे जैसे चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए कई प्रकार के जतन किए जा रहे हैं। विशेष श्रृंखला में गरोड नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया और उनकी टीम द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं के द्वार द्वार पहुंच रहे हैं, जहां पर भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जनों को रूबरू कराकर भाजपा प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया को भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प दिलवाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि गरोठ नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया द्वारा गरोठ नगर में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए गए और सबसे ऐतिहासिक उपलब्धि गरोठ नगर में श्रीराम स्तंभ स्थापना होने के बाद इनकी प्रेरणा से कई ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में श्रीराम टावर भी लगाए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप राजेश सेठिया ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं और भारी मतों से विजय बनाने के लक्ष्य में लगे हैं। राजेश सेठिया का एक ही अटल संकल्प है, विजय भाजपा विजय चंद्र। इसी को लेकर आज गरोठ नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 11 में उपाध्यक्ष महेश मालवी, सभापति सतीश गुजराती, विनोद ग्वाला लाला भाई, पार्षद प्रतिनिधि धर्मेंद्र शर्मा, पार्षद अर्जुन बागरी, हरीश जोशी, महेश सेठिया, प्रेम नारायण टेलर, प्रशांत पांडे, लाल चंद माली एवं अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं के द्वार द्वार पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। संस्कार देशन न्यूज ब्यूरो गरोठ। गरोठ नगर में लगातार 3 दिनों से घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है और बहुत ही शानदार माहौल है। ग्रामीण क्षेत्रों में नहर चलने से बहुत खुशी और अपार उत्साह का माहौल है। नगरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में लाडली बहनाएं जितनी भी हैं, वे सब कह रही हैं कि हमने भैया शिवराज जी को वोट देकर कमल के फूल पर उनको धन्यवाद अर्पित करेंगे। नए मतदाता सब नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि भारत देश ने जो पूरे विश्व में एक अभूतपूर्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छवि बनाई है और जो भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इससे सभी अभिभूत है और नव मतदाता तो सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। दीपावली का पर्व भी है और यह दीपावली जो है चुनावी दीपावली है। सभी कार्यकर्ता दीपावली का त्यौहार छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सब चुनाव में लगे हैं, घर घर जाकर दीपावली की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं मतदाताओं को और उनसे कमल के फूल के पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी और यहाँ नगर में जो नगर परिषद ने काम किए सभी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से मतदाताओं में अपार उत्साह है और मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए आतुर है, तत्पर है और पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और चंद्र सिंह जी सिसोदिया भारी बहुमत से विजय होंगे, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है।